नमस्ते आप सभी को, आप देख रहे हैं अरुणाचल टुडे और मैं हूं आपका गुमसों लगंग। अभी हम फिलहाल मौजूद है खरसंग में, जो कि आज वेटरनरी डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री वेटरनरी एंड डेयरी डिपार्टमेंट के तरफ से चांगलांग डिस्ट्रिक्ट पे, खास करके खरसंग जो जगह है यहाँ पे एक कैंप आयोजित कर रहे हैं। तो इसके चलते हम जो कि डिस्ट्रिक्ट वेटरनरी ऑफिसर हैं उनसे रूबरू चर्चा करेंगे और बात करेंगे कि इससे लोगों का क्या भला हो सकता है और आने वाले दिनों में जो हमारे चांगलांग डिस्ट्रिक्ट के निवासी हैं उनका क्या क्या लाभ हो सकता है। तो सबसे पहले सर स्वागत करना चाहूँगा। वेलकम अरुणाचल टुडे को। सर ये क्वेश्चन ये रखना चाहेगा सर, आज जो आप लोग खरसंग में जो आयोजित कर रहे हैं, ये जो वन डे वर्कशॉप जो प्रोग्राम रख रहे हैं जो कि साइंटिफिक रियरिंग ऑफ पिग खास करके, तो इसका ऊपर सर थोड़ा बता दीजिए। इसमें ऐसा है, आज एक्चुअली हम लोग जो प्रोग्राम आयोजित किया जा रहा है जी, ये डिस्ट्रिक्ट लेवल अवेयरनेस कैंप्स, पब्लिक तरह मेला जी, एंड लाइव स्टॉक एंड पोल्ट्री डिजीज कोलाबोरेशन विथ एलाइट एग्रीकल्चर टीम ऑफ खरसंग जी। तो इसका साथ में वन डे साइंटिफिक पिग ब्रीडिंग का प्रोग्राम आज आयोजित किया है। तो इसमें ऐसा है, जो साइंटिफिकली पिग को कैसे रियर कर सके और कैसे उसको घर बनाएगा, कैसे उसको फीडिंग करना है, कैसे उसको समय पर इम्यूनाइजेशन करना है, वैक्सीनेशन करना है, वो सिर्फ के लिए आज पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में प्रेजेंटेशन से जो थ्रो टेक्निकल ऑफिसर से हम लोग डिसिमिनेशन वो कैसे करना है, डिसिमिनेशन करने जा रहा है फार्मर के लिए जी। तो अगर वो फार्मर लोग उसको अच्छा से फॉलो करने से फार्मर के लिए बहुत लाभदायक होगा। तो और साथ साथ में हम लोग लाइव स्टॉक्स एंड पोल्ट्री डिजीज के बारे में भी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन इन डिटेल्स थ्रो टेक्निकल ऑफिसर्स से हम लोग फार्मर के लिए आज दिया जा रहा है। सर ये जो अभी जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन जो दे रहे हैं, जो सर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में लोगों को बता रहे हैं, जागरूकता कर रहे हैं, तो वो सर कहाँ से आए हुए हैं? वे हमारे स्टेट के ही या बाहर से आए हुए हैं? सर जो ये है हमारा, ये मैक्सिमम ये स्टेट के लिए जैसे कि लाइव स्टॉक का जो हमारे यहाँ में फूड एंड माउथ डिजीज यहाँ बहुत होता है, LSD बोले, रिसेंटली हमारा यहाँ चांगलांग डिस्ट्रिक्ट में भी ये अटैक हुए जी, लंपी स्किन डिजीज, वो बीमार एनिमल का लाइव स्टॉक का बीमार है, वो हमारा यहाँ इलाका में अफेक्ट होता है। वो उसको स्पेशली फार्मर्स लोग को, कैटल ओनर्स लोग को अवॉइड करने के लिए ये दे रहा है। ओके ओके। तो सर इसी दौरान और एक क्वेश्चन रखना चाहेंगे सर, हाल ही में जो अभी आपने जो डिजीज का नाम बताए हैं और साथ ही साथ में सर हमने भी हमारे जो खास करके चांगलांग डिस्ट्रिक्ट में काफ़ी सारे जो काउ ऑक्स जो गाय होते हैं उनके स्किन में फूला हुआ सर डिजीज जो दिखाई दिया है, और साथ ही साथ में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी मतलब बैन किया गया है कुछ मीट को खाने के लिए, तो ये सर किस प्रकार से ओवरकम कर सकते हैं लोग, मतलब किस प्रकार से जो खास करके जो फार्मर्स हैं जो जो कि रियरिंग में डिपेंड करते हैं, जो कि एनिमल्स में डिपेंड करते हैं, वो किस प्रकार से अपने ऑक्स हो गया, काऊ हो गया, पिग हो गया, इनको किस प्रकार से बचा सकते हैं? उसका ऐसा है, एनिमल डिजीज में भी चाहे लाइव स्टॉक हो पोल्ट्री हो, इसमें बैक्टीरियल डिजीज होता है, वायरल डिजीज होता है और एक्सेट्रा एक्सेट्रा होता है जी, जी। तो जहाँ तक यहाँ में बैक्टीरियल डिजीज है उसको तो हमारा ये टेक्निकल ऑफिसर हमारा डिस्पेंसरी में डॉक्टर लोग है वो करके अच्छा से ट्रीटमेंट करके तुरंत बचा सकता है। लेकिन जहाँ तक वायरल डिजीज का बात है उसको थोड़ा एक बार में कुछ ये उसको बंद करने तरह ट्रीटमेंट अच्छा करने तरह मुश्किल होता है, अनलेस उसको वैक्सीनेशन समय पर नहीं देगा तो। इसीलिए इसके लिए समय पे वेटरनरी क्लिनिक में डिस्पेंसरी में जाके एनिमल्स ओनर्स लोग डॉक्टर से कंसल्ट करना है, समय पे वैक्सीनेशन देना है जी। और समय पे वैक्सीनेशन देने से ये सब बीमार नहीं होगा। सर इसी दौरान लोगों का एक क्वेश्चन ये भी है, लोगों का मन में काफ़ी दिनों से हमें भी कह रहे थे कि कभी पूछ देना है, मौका मिलने से पूछना है डिपार्टमेंट को ऐसे तरह से, कि पहले जमाना में सर पहले समय में क्या हुआ करते थे कि मतलब वेटरनरी ऑफिसर जो डॉक्टर होते हैं या जो उनके टीम होते हैं वे गांव-गांव में जाके जो गाय होते हैं जो पिग होते हैं उनको वैक्सीनेशन देते हैं,
लेकिन अभी सर इस अभी फिलहाल मतलब ये काफ़ी कम हो गया है, मतलब कि गांव-गांव में घरों घरों में जाके मतलब वैक्सीनेशन नहीं दे रहे, तो इसी को लेते हुए सर लोगों का क्वेश्चन उठा है कि मतलब क्या आने वाले दिनों में फिर दोबारा सर ये चालू नहीं हो सकते, क्योंकि गांव हो गया, गाय हो गया, ऑक्स हो गया सर, या बकरी हो गया, या आपका पिग हो गया, इनको कैरी करके वेटरनरी तक ले जाना मुश्किल होता है, तो लोगों का काफ़ी लोगों का ये कहना है सर, इसका ऊपर क्या कहना आपका? ये आप जो बोला है ऐसा नहीं है, अभी भी हमारा जो ऑफिसर्स जी टेक्निकल ऑफिसर स्टाफ्स और इसका अटेंडेंस लोग अभी भी गांव गांव में देके समय पे वैक्सीनेशन करते हैं, और इसका एक शेड्यूल है, शेड्यूल में तो हम लोग ऐसे डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर एवरी डिस्पेंसरी एंड CUC वेटरनरी एज सेंटर का इंसर्स लोग को इंस्ट्रक्शन देता है कि वो इतना से इतना तक वैक्सीनेशन दे दो गाँव गाँव में जाके, और इसके बाद वो वैक्सीनेशन रिपोर्ट को भी वो लोग हमको सबमिट करता है जी, और हाँ सबमिट करके फिर हम अथॉरिटी हायर अथॉरिटी को फिर फॉरवर्ड करता है। okay. और आजकल ऐसे भी है जब एनिमल को वैक्सीनेशन देगा तो एवरी वैक्सीनेशन को हम लोग कंप्यूटर में रिकॉर्ड करता है, कंप्यूटर में रिकॉर्ड उसको अपलोड भी करता है जी. वो डायरेक्ट दिल्ली में चला जाता है। अच्छा. तो अभी वो सिस्टम अभी भी है, ये बात नहीं कि पुराने जमाने में ऐसा था, अभी नहीं वो नहीं है। okay. अभी भी हमारा स्टाफ रेडी है जी, अभी भी जैसे कि लास्ट टाइम भी तो LSD जितना ये आउटब्रेक हुआ था उसको तो गांव गांव में जाके हमारे स्टाफ लोग दिया है, वो देखे अच्छा हो गया। अभी आप भी रिजल्ट तो देखा है, कहीं भी अभी जो बदन में पुला वाला ये सब तो दिखाई नहीं रहा है, पहले तो यहाँ में मियो एरिया में वो टाउन एरिया में और बहुत पुला एनिमल दिखाई दिया था, तो अभी तो नहीं है, वो ठीक करा दिया वैक्सीन दे के। अच्छा. तो ऐसे ही अभी भी हम लोग FMD का भी अभी विंटर भी आ रहा है, फूट एंड माउथ डिजीज निकालने का बहुत चांसेस है, उसको रुकाने के लिए हम लोग वो वैक्सीनेशन भी देगा, और अभी वैक्सीन लाने वाला जी, लाके फिर इंस्ट्रक्शन करेगा हम हरेक डिस्पेंसरी को, ऑफिसर इंस्ट्रक्शन लोग को, वो लोग गांव गांव में जाके वैक्सीनेशन करेगा ताकि वो FMD आउट ना हो जी जी जी। तो इस ऐसे होने से पब्लिक कैटल ओनर्स लोग के भी बहुत भला हो जी जी। तो सर अंत में और एक क्वेश्चन रखना चाहेगा सर, जैसे कि डिपार्टमेंट के तरफ से काफ़ी सर हम दिखाई देते हैं कि कुछ लाइफ स्टॉक को देते हैं, डिपार्टमेंट के तरफ से देते हैं, सरकार के तरफ से देते हैं, तो क्या सर आज भी कुछ इस प्रकार से मतलब कुछ देना, मतलब यहाँ में कुछ प्रोग्राम रखा है कि कुछ भी मतलब लाइफ स्टॉक लोगों तक देने का कुछ प्रोग्राम है सर आज का? ऐसा है अभी फिलहाल जो पहले जो इसमें ऐसा है गवर्नमेंट साइड से, इसके लिए भी हम लोग अवेयरनेस के लिए आया है गवर्नमेंट का स्कीम को फार्मर्स को और पब्लिक को बताने के लिए, अवेयरनेस करने के लिए आया है। इसमें जो पहले हुआ है उसको इंप्लीमेंट किसी कर चुका है, वो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम भी होता है, स्टेट फ्लेक्सिबल स्कीम भी होता है। तो अभी जो हम लोग का फिलहाल चल रहा है ये स्टेट फ्लेक्सिबल स्कीम है जो ANPPY जो आत्मनिर्भर पशुपालन, आत्मनिर्भर पशुपालन में अभी जो लास्ट ईयर का था इसमें आपका डायरी भी देता था, पिगारी भी देता था, पोल्ट्री भी देता था, वो तो अभी दिया है, वो तो बेनिफिशियरी मिल भी गया और अभी मिल रहा है जी। और अभी जो 2023-24 में भी आत्मनिर्भर पशुपालन का है, इसमें हमारा संगम डिस्ट्रिक्ट में सिर्फ पिक कर दिया है, उसको भी अभी प्रोसेस में है, अभी जो एप्लीकेशन इन्विटेशन किया है तो एप्लीकेशन हमारा ऑफिस में आ चुका है, अभी उसको स्क्रीनिंग करने के लिए है, स्क्रीनिंग करके हम लोग डिस्ट्रिक्ट लेवल में स्क्रीनिंग करके हम लोग हायर लेवल में भेजेगा, तो बैंक में भी देगा और हायर लेवल में भी हम लोग वो बेनिफिशियरी सेलेक्टेड लिस्ट को देगा, इसके बाद प्रोसेस शुरू हो जाएगा जी। ऐसा है जी। तो सर लास्ट बट नॉट सर, लोगों को जो अभी यहाँ जो प्रेजेंट नहीं हो पाए, काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो कि हमारे न्यूज चैनल को देख रहे हैं, अरुणाचल प्रदेश को देख रहे हैं, तो उन सभी को सर कुछ मैसेज देना चाहेंगे कि वेटरनरी डिपार्टमेंट की तरफ से कि उनके जो लाइफ स्टॉक है किस प्रकार से उनको मतलब रखने से ज़्यादा अच्छा है, आपकी तरफ से कुछ लास्ट मैसेज? लास्ट मेरा मैसेज है कि जो भी आज यहाँ जितने भी आए हैं वो लोग तो थोड़ा पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन से कुछ सीख लेगा, और वो लोग जो पामर लोग को भी मैं ये बताना चाहूँगा कि वो लोग पब्लिक का भी बताइए, ऐसे बताइए जैसा एनिमल कैटल पालने से ऐसे होना है, घर ऐसे बनाना है, फीडिंग सिस्टम इतना समय में देना है, समय में वैक्सीनेशन देना है, साथ साथ में अपना मार्केटिंग स्कोप को भी देखना है, मार्केटिंग स्कोप के बारे में वो मैसेज को आज जो नहीं आने वाले को भी पब्लिक में मैसेज को डिसिमिनेट बताइए, वही मैं कहना चाहूँगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, अरुणाचल प्रदेश के। थैंक यू। आज हम लोग ये खरसंग में ये किया है, हम लोग का वेटरनरी डिपार्टमेंट और एलाइज फार्मर ग्रुप उन लोग का साथ में कोलाबोरेट करके
हम लोग एक अवेयरनेस, हम लोग का डिपार्टमेंट की तरफ से अवेयरनेस जो वेरियस लाइफ स्टॉक डिजीज होते हैं उसके बारे में अवेयरनेस के लिए, और हम लोग जो प्रिवेंशन ये करने के लिए, और प्लस हमारे यहाँ का जो फार्मर्स है उन लोग के लिए वो पिक फार्मिंग कैसा करना है बोल के उसको अच्छे तरफ से सिखाने के लिए, जो अपना बिजनेस लेवल में ले जा सकता है बोल के, तो उन लोग को सिखाने के लिए हम लोग ने एक एक्सपर्ट ट्रेनर, मास्टर ट्रेनर बुलाए हैं आसाम से। तो अभी उन लोग का वही उन लोग को ट्रेनिंग देगा ताकि हमारे जो ये खरसंग के जो फार्मर्स है वो लोग जितना भी पाल रहे हैं, जनरली हम लोग मैक्सिमम यहाँ में हर घर में आपका एक पिगरी तो होता है, लेकिन वो लोग अनसाइंटिफिक मेथड में फीडिंग या फिर रेयरिंग कर रहे हैं। तो हम लोग उन लोग को थोड़ा जागरूकता बनाना चाहते हैं कि आप लोग जो नॉर्मल घर में जो पालने से एक जगह में आप थोड़ा और आगे बढ़ सकते हैं, आप बिजनेस में कैसा लेके जाना है और आप कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, तो उसके बारे में उसको जानने के लिए, बेनिफिट्स के लिए, पब्लिक का बेनिफिट्स के लिए। तो मैम उसमें एक क्वेश्चन है, जैसे कि मार्केटिंग के बारे में आपने बात बोला है, तो डिपार्टमेंट मार्केटिंग के लिए कुछ मतलब मदद करने वाले हैं जैसे फार्मर्स को? ऐसे तो हम लोग के पास ये मार्केटिंग के लिए अभी तक तो कोई डिपार्टमेंट से इंस्ट्रक्शन तो नहीं है, लेकिन वही है कि हम लोग का अभी वही यहाँ ट्रेनिंग में हम लोग बता रहे कि आप सिर्फ डिपार्टमेंट या गवर्नमेंट को नहीं रुक के खुद ब खुद इंडिविजुअल आप ऐसे यूनिट मतलब ऐसे ग्रुप या फार्मर्स प्रोड्यूसर एसोसिएशन बन के भी आप लोग कर सकता है मतलब। तो अभी वही ट्रेनिंग में हम लोग भी वही बता रहे हैं कि आप लोग हमेशा मतलब खुद करने का इच्छा होना है, और चाहने से आप लोग सब एक साथ में मिल के करेगा तो, और गवर्नमेंट का आपको रुकने का ज़रूरत भी नहीं पड़ेगा, आप खुद ब खुद एवेन्यू आएगा अगर आप सब लोग एक साथ में आके काम करेगा ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जाएगा। तो हम लोग का यहाँ में नॉर्थ ईस्ट में पोर्क का बहुत डिमांड होता है, तो और हम लोग जनरली 80% जो हम लोग राजस्थान और ये पंजाब वहाँ से डिपेंड करते हैं, आपको मतलब वहाँ का आदमी खुद कंज्यूम नहीं करता है लेकिन इतना स्केल में पालता है कि मतलब वो पैसा कमाने के लिए बिजनेस के लिए वो लोग इतना पालता है, हम लोग नॉर्थ ईस्ट जो है कि हम लोग इतना कंज्यूम करता है, तो मैक्सिमम जो हम लोग खुद ही अपना यहाँ से 20% हार्डली 20% ही हम लोग को जो पोर्क प्रोडक्ट्स है यहाँ का लोकल है, बाकी 80% आपका पंजाब या उत्तर प्रदेश या वो सबसे आता है मतलब दिल्ली वो साइड से आता है, तो बेनिफिट वहाँ का फार्मर को मिल रहा है। थैंक यू मैडम। ये जो अभी जो अवेयरनेस है तो यहाँ में वो 2-3 साल तक ही पालता है लेकिन उसका ग्रोथ बहुत स्लो है, तो अभी इसका माध्यम से आप मैंने क्या अवेयरनेस देना चाहेंगे साइंटिफिकली रेयरिंग में क्या मतलब बेनिफिट हो सकता है? साइंटिफिकली रेयरिंग बोलने से आदमी सोचता है कि बहुत साइंस ये है, इसमें कुछ भी ये का इतना बड़ा बात नहीं है मतलब। आप जब भी हम लोग का यहाँ देखता है तो फीडिंग का हम लोग का पब्लिक को फीडिंग का बहुत इशू है, वो लोग क्या करते हैं कि पैसा खर्च नहीं करना चाहता है तो वो लोग कोचू कॉल ये सब लोकली जब वो सब खिलाते हैं जो कि न्यूट्रिशनली बैलेंस नहीं होता है, आप छोटा बच्चा को ये फाइबर ज़्यादा करेगा तो बड़ा नहीं होता है टाइम, तो इसलिए हम लोग यहाँ में उन लोग को सिखाते हैं कि आप लोग जानना चाहता है कि आप लोग ब्रीथ अच्छा लीजिए, जहाँ तहाँ से क्रॉस ब्रीथ नहीं लेके अच्छा ब्रीथ लेके, और कैसा आप स्टार्टर प्री स्टार्टर जो अलग अलग स्टेज के लिए अलग अलग दाना होता है उसको खिलाइए, और जनरली आपका तो 2 साल जो बहुत ही लॉस होता है पब्लिक के लिए, क्योंकि हम लोग सोचते हैं कि इतना एक्सपेंसेस नहीं है लेकिन आप एज अ टर्म आपका जो लेबर है आपका टाइम है उसको हिसाब करने से आप बहुत लॉस में होता है, तो इसलिए हम लोग वही है कि जानना चाहते हैं कि आप मैक्सिमम 6 महीना पालिए लेकिन अच्छा दाना दीजिए अच्छा ब्रीड लीजिए, तो आपको विद इन 6 या 7 महीना में आपका 1 क्विंटल गावरी भी हो जाता है। यहाँ पे कुछ सारा कुछ पीक है जैसे कि आप देख सकते हैं डिफरेंट ब्रिज का पीक है, तो ये जो भाई साहब है यहाँ पे हम इनसे कुछ पूछेंगे ये पीक का बारे बताएगा, तो सबसे अगर आपने अपना बायो डेवलप कोई दीब। मोर नाम सामुल नेमू है और मैं इलाइट फार्मर्स टीम का एक मेम्बर आसो, आज दिन हमारे ये प्रोग्राम थे ये स्पेशली यू पिक्स एग्जिबिशन के नाम आनीसो। ओके ये दूरक पिक आसे अपना यू गहरियों खासियत यू आसे कि ना अपना यू जल्दी ग्रोथ है फास्ट ग्रोथ पिक आसे। ओके अपना यू 6 मंथ्स से 100 kg पार कर पिक तो अच्छा, और यू हेमशियर पिक आसे अपना यू हेमशियर तो भी एनेक आसे यू सब एक्जोटिक ब्रीड है अमर यू देसी ब्रीड नहीं यू लोग तो अपना यू अपना 7 मंथ्स से मोर देन 100 kg हो जा। अच्छा और ये मोर दुटा आसे एक हेमशियर आसे और एक लार्ज व्हाइट यॉर्कशायर बोले कह तो यू लोग सब एक्जोटिक ब्रीडे आसे, तो यू लोग खासियत यू आसे कि अपना ना फास्ट ग्रोथ पिक लोग आसे कम्पेयर टू अमर देसी पिक तो अपनी कोट पा आनिसे यू मोर फार्मर आसे। ओके ओके তো এতিয়া এইটো যদি আমাৰ লোকেল যোনটো ফাৰ্মাৰ্ছ আছে ৰিয়াৰ আছে এইবিলাকে যদি লম কলেক্ট কৰিব ল'ব পাৰিব
তাৰ সব মুখে ডাইৰেক্টলি কন্টেক্ট কৰিব পাৰিব মই কন্টেক্ট নম্বৰ আজি এতে প্ৰগ্ৰামটো দিয়া হৈ যাব।